इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। अब बस जब तुम अपनी बिटिया के लिए किसी मंगेतर को, मंगेतर कहते हैं, मंगेतर देखने जाओ तो तुम भी अचानक धावा बोलना, अचानक जाना तो वो तो और लोवर में मिलेगा, एक टी शर्ट में मिलेगा, बाल लाल बिथरे होंगे, क्या बाबा कौन आया, उठो बेटा उठो, अरे बाबा अभी कितने बजे, अरे बाबा अभी तो 7 बजे हैं, अभी तो 9 बजे उठूंगा ना मैं, अरे उठ जा बेटा थोड़ी देर, क्या बात है पापा, क्यों आप हल्ला मचा रहे हैं सुबह सुबह, अरे तो मैं बैठक में, बातें मत कर, और वो चला आता है बालों को ऐसे खुजलाते खुजलाते, और वो बिटिया के पिताजी के, अच्छा अच्छा जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, कौन भी समझा करो मेरी बात की, मेरे प्रवचनों की, जय जिनेन्द्र आप कौन है, अरे मैं राजा की मंडी से आया हूँ, अच्छा अच्छा आप लोग वो पापा ये, हाँ बेटा ये वही, अच्छा 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 ठीक है जय जिनेन्द्र, ठीक है हम जा रहे हैं, वो चले गए, और इसने देखने मिला ना ना ब्यूटी मेंस में नहीं गया, वो ब्यूटी पार्लर मेंसों के भी होते हैं आजकल, वहां भी नहीं गया, तो ओरिजिनल मिल गए, और इसी में जय सिया राम हो गया काम, और अगर जी आईटी पिसल तुम ले गए तो बहुत धोखे में आ जाओगे, एक बार पाकिस्तान में कैसी घटना घट गई, एक व्यक्ति ने कभी जिंदगी में अपनी श्रीमती को क्या, वो तो क्या वाइफ मिसेस क्या कहते होंगे वो लोग, बेगम एगम, तो उसको कभी उसने देखा ही नहीं था बिना मेकअप के, और वो हमेशा मेकअप करके रहती थी, और वो किसी मार्केट में गए तो पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए श्रीमान जी चले गए और मैडम को खड़ी करके चले गए, और अचानक मूसलाधार जैसे बादल फट गया उस बिचारी के ऊपर, और ऐसी धुल गई ऐसी धुल गई, और वो जब पार्किंग करके आए तो उसी महिला से पूछते, बहन जी यहां मेरी वाइफ खड़ी थी वो कहां है, वो कहती दिमाग खराब हो गया क्या, नहीं तो बोलो तुम हो क्या, या अल्लाह, यानी इस मेकअप में कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है, इसलिए मेरा कहना है ये आर्टिफिशियल चीजों से मत सजो, अबे गुणों से सजो, चारित्र से सजो, अपने जीवन में ऐसा चरित्र पवित्र रखो कि तुम जहां खड़ी हो जाओ तुम्हारे चरित्र की खुशबू सुगंधी ऐसी फैले कि जो बिगड़ी हुई स्त्रियां और लड़कियां हैं वो तुम्हारे पवित्र चरित्र को देखकर अपने पाप को तिलांजलि दे दें, तब कहीं तुम्हारे चरित्र की पवित्रता मानी जाएगी, और तुम्हें देख करके कोई और बिगड़ जाए, तुम्हारे रूप की दशा देख करके, तुम्हारे कपड़ों की दशा देख करके, तुम्हारे खाने पीने के अभद्र क्रियाओं को देख करके सज्जन बालिकाएं भी अगर बिगड़ जाती हैं तो तुम्हें महान पाप का बंध होता है, अपनी वेशभूषा ऐसी बनाओ बंधुओं, पहले बालों का भी बहुत बड़ा वास्तु है, बालों का भी बहुत बड़ा ज्योतिष है, हमारे घर की बुजुर्ग महिला पहले अपने बालों को पूरा बांध करके रखती थी, जूड़ा बना करके रखती थी, आप देखना मैं एक एक का लॉजिक देता हूं, और जब वो माँ जूड़ा बना करके रखती थी घर की बुजुर्ग माता, तो पूरा घर एक मुट्ठी में था, जब दादा दादी होते थे और दादी का पूरे बाल बंधे होते थे तो पूरा घर एक मुट्ठी में 15-15, 20-20 लोग एक चूल्ही पर एक तिजोरी में अपना जीवन यापन करते थे, एक चूल्हा था एक तिजोरी थी, और दादी या दादा की हुकूमत यानी उनके निर्देश चलते थे, और दो छोटी बिटिया करती थी, दो छोटी का मतलब था एक पिता की छोटी और एक उसकी मम्मी की छोटी, दो छोटी व्यक्ति थी, फिर जब उसकी शादी होती थी तो एक छोटी व्यक्ति थी वो उसके पति की छोटी होती थी, समझना बालों का वास्तु, बालों का ज्योतिष, और शादी के बाद एक चोटी और बिल्कुल गुथी होती थी,
और उसकी छोटी उसके पति के लिए सम्मान देती थी। और आज आज चुटैया कितनी फैल गई, कितने फैल गए बाल, और जितने बाल फैल गए उतनी मानसिकता में तुम्हारे अंदर पाप फैल गया, वासना फैल गई, विकृति फैल गई, पाप फैल गया। जितने बाल फैलेंगे उतनी तुम्हारी मानसिकता में विकृतियां फैलती चली जाएंगी बंधु, और जितने बाल बंधे रहेंगे उतनी तुम्हारी मानसिकता में पवित्रता, चरित्रता, गुणवत्ता, सारी की सारी चीजें दिन भूमि रात चौगनी पड़ती चली जाएंगी। और जितने तुम बाल खोल करके चलोगे, जितने तुम फैला करके चलोगे, अभी हम देखते रहते हैं, अब आंखें बंद तो कर नहीं सकता, और नीचे देख कर भी चलना है और ऊपर भी देखना है, कहीं तो और चला करके यूं फैला लेते हैं। मैं समझ जाता हूं कि इनकी मानसिकता में बहुत ज्यादा विकृति है, बहुत ज्यादा विकार है, वासना है, और ये अपने चरित्र को दिन प्रतिदिन मानसिकता रूप से नीचे गिरा रही है, विनाश की ओर ले जा रही है। और जितना व्यवस्थित हमारा मस्तक होगा उतने हम पवित्र होंगे। तो मंडल आशा कहती है शरीर का मोल छोड़ दो, शरीर का मोल छोड़ दो, और ये शरीर का मोल हमारे जीवन में विनाश का कारण है। और वह मंदालसा इस प्रकार से समझाती हुई अपने बच्चे को चलाती है, फिर कहती है निकाम धाम धामासि विकर्म रूपो रत्नत्रयात्मासि परम पवित्रः वेत्तासि चेतासि विमुच्य कामं मंदालस वाक्यमुपासि पुत्रः। हे पुत्र, तुम निष्काम हो, निष्धाम हो, कर्म रूप नहीं हो, रत्नत्रयमयी हो, परम पवित्र हो, बेता हो, चेतन हो, तुम मंदालसा की बात को मानते हो। ऐसी वह लोरिया सुनाती हुई अपने गर्भ के बच्चे को संबोधन देती है, और वह धीरे धीरे अपनी संतान को, एक एक संतान उसकी मुनि बनती चली गई। 7 बच्चे उसके हुए और मुनि बन गए। चिंतित हो गया राजा कि इतना बड़ा राज वैभव कौन संभालेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, इतना वैभव कौन संभाल करके रखेगा, क्या होगा। और रानी से कहता है कि तुमने 7 बच्चों को मुनि बना दिया। 8 साल के जब बच्चे होते और उनसे पूछा जाता है राजा बनोगे कि महाराजा, बोले महाराजा बनूंगा, और मुनि बन जाते, दीक्षा ले लेते। रानी कहती है हे प्राणनाथ, चिंतित ना हो, अगली संतान मुनि बनेगी। राजा कहते हैं वो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, जब मुनि बनाना मेरे हाथ में है तो राजा बनाना भी मेरे हाथ में है, क्योंकि बच्चा तो एक काली कच्ची मिट्टी के समान होता है, एक लौंदे के समान होता है। मिट्टी को जैसे चाहो सांचे में ढाल दो, मटका बनाना है तो मटका बना लो, गिलास बनाना तो गिलास बना लो, सुराही बनाना सुराही बना लो, दिया बनाना दीपक बना लो, जो बनाना बना लो। ऐसे ही बच्चा का 9 महीने के अंदर गर्भ में हम जैसे संस्कार देंगे बच्चा वो बनेगा। मां कहती है ठीक है, राजा कहता ठीक। और अगली संतान जब गर्भ में आई तो वह मंदालसा ने तलवार चलाना सीखना चालू कर दिया। तलवार कैसे चलाई जाती है, तीर कैसे चलाया जाता है, गुप्ती कैसे चलाई जाती है, फरसा कैसे चलाया जाता है, राजनीति कैसे की जाती है, और राजनीति का साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया, अपने सेनापति से युद्ध करना चालू कर दिया। अनेक अनेक प्रकार से उसने जो युद्ध की कलाएं होती हैं वो सारी सारी सीखना शुरू कर दी। और जब 5 महीने के बाद उसे दोहला उठा, मंदालसा के अंदर दोहला उठा, वो अपने पति से कहती है मुझे लगता है कि मैं किसी से युद्ध करूं, मुझे क्रूरता जागती है, मुझे छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आता है, मुझे गुस्सा आती है। राजा कहता अच्छा, जोशाचार से पूछा जाए, जोशाचारों ने कहा इनके गर्भ में जो संतान पल रही है वह बहुत कूटनीतिज्ञ होगी, बहुत राजनैतिक होगी, और बहुत क्रूरता से भरी होगी, सामने वाले दुश्मन राजा को परास्त करने में इसका रोम रोम फड़फड़ाएगा।
और 9 बहने के बाद जब मंदा लसा ने उसे जन्म दिया, जन्म देने के बाद 45 दिन के बाद जब जिनाले लाया गया, बच्चा भगवान को भी बड़ा घूर के देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे गुस्से में देख रहा हो। और धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद जब उससे पूछा, बेटा क्या बनोगे? मैं राजा बनूंगा। महाराज नहीं बनोगे? नहीं, मैं महाराज नहीं बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। ठा, मैं ठा करूंगा, इन्हें मैं गोली चलाऊंगा। और आप बच्चों को देखें, एक बहुत सारे सामान उनके सामने रख दीजिए, क्रूर बच्चों की पहचान, फल रख दीजिए, मिठाइयां रख दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे खिलौने रख दीजिए, और 1-2 पिस्तौलें रख दीजिए, बच्चा क्या उठाता है? क्या उठाता? पिस्तौल उठाता है तो समझ लेना कि भविष्य में कोई कांड कर सकता है, हत्यारा बन सकता है, किसी को मार सकता है, गुंडा बन सकता है, मारपीट करने में आगे होगा, गाली गलौज बकने में आगे होगा। खिलौना खेलता है तो लगेगा बच्चा मस्ती में मस्त रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। फल मिठाई उठाता है तो खाने पीने में मास्टर होगा, और अगर कुछ नहीं सहज में रहता है तो एक सज्जन व्यक्ति बनेगा। उनकी सारी क्रियाएं वास्तु और ज्योतिष बताते हैं कि उसके जीवन का भविष्य बता देते हैं। तो 9 महीने का पीरियड कि हमें कैसे संभाल करके रखना, हम 3-4 दिन से इसके बारे में आपको बता रहे हैं। और ये अगर हमने समझ लिया तो हमारा भारत कभी गुलामियत की जंजीरों में नहीं जकड़ेगा, ये भारत पुनः एक सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि माता ही, एक माता 100 शिक्षकों के बराबर एक माँ होती है। इसलिए आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम कैसे संस्कारित अपने बच्चों को करें, और इन बच्चों को कैसे हम सुख शांति से जीवन देने की कला सिखाएं, और हम अपने आप को कितना साधारण जीवन जीने की कला सीखें। मुझे एक घटना याद आ रही है, जब मैं 1994 में यहां आया, तब 5 बहुएं लिपस्टिक लगाती थी इसी आगरा की। तो जब मैंने उनकी लिपस्टिक छुड़वा दी, उन्हें बता दिया कि इतनी हानिकारक है, उन बहुओं ने छोड़ दी। छोड़ने के बाद वो किसी शादी में गई तो वहां 65 महिलाएं लिपस्टिक लगाई थी। उनको लेने के लिए जब वो पांच बहुओं के लिए जब वो अपनी कारों से उतरी, और जब वो 65 महिलाएं उनको लेने आई, तो जब उन्होंने देखा, अरे ये बैनाना परिवार की बहू है, इतने बड़े परिवार की बहू है, लिपस्टिक नहीं लगाई है, हम इनके सामने हैं क्या? तो वो उन्होंने थैंक यू वेरी मच करने के पहले अपने अपने रूमाल से अपने ओठों को साफ किया, और फिर वो उन्हें लेने आई। बड़ी घरों की बहुएं बेटियां चाहे तो समाज को गर्त की ओर ले जाएं, और बड़े घर की बहू बेटियां चाहे तो समाज को ऊंचाइयां दे दें, आदर और सम्मान दे दें। तो मैं बड़े परिवार की बहुओं से कहना चाहता हूं, बेटियों से कहना चाहता हूं, अपना जीवन ऐसा बना करके रखो कि एक बार जो तुमसे मिल जाए वो सदा तुम्हारी याद करें, तुम्हारे जीवन को याद करें, तुम्हारे चरित्र को याद करें, तुम्हारी हर क्रिया से प्रभावित होकर के वो अपने घर को उसमें तब्दील कर दे, उसमें बदलने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनीय द्वादशां चिन्वाणी माता की चर्चा चल रही है, संस्कारों की। एक महिला जब गर्भ धारण करती है तो किस प्रकार से अपने आप को संस्कारित करती है, अपन 3-4 दिन से यह बात को सुन रहे हैं। हमने मंदा लसा की बात आपसे कही, और मंदा लसा ने यह करके दिखा दिया कि मां जैसा चाहे अपने बेटे को बनाना, मां चाहे तो डाकू बन सकता है बेटा, और मां चाहे तो साधु बन सकता है, मां चाहे तो डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो इंजीनियर बना दे, मां चाहे तो सीए बना दे, मगर बच्चे के जन्म लेने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। 9 महीने का समय गर्भ के अंदर जब तक बच्चा रहता, कहते हैं ना, बंध मुट्ठी लाग की, और खुल गई तो हो गई,
राख की। जब तक बच्चा मां के गर्भ में है, जब तक उसे बाहर की कोई हवा नहीं लगी है, जब तक उसने किसी राग देश कसाईयों को बाहर से नहीं ग्रहण किया है, तब तक वह इतना संस्कारित हो सकता है, इतना व्यवस्थित हो सकता है कि वह अपनी मां की भावना को लेकर, मां की बात को लेकर, मां की वो आध्यात्मिक शक्ति को लेकर मुनि बन सकता है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात बच्चे मंदालसा के मुनि बनते चले गए। हर तीन साल के गैप से एक बच्चा होता, और जब आठ साल का बच्चा होता, मां पूछती क्या बनोगे? मुनि बनूंगा। राजा नहीं बनोगे? नहीं। और आठवां बच्चा जब हुआ तो उससे पूछती है, महाराज बनोगे? नहीं, मैं राजा बनूंगा, ठा करूंगा। क्योंकि नौ महीने क्या किया रानी ने? तलवार चलाना सीखा, राजनीति की पुस्तकें पढ़ी, छल कपट करना सीखा, कैसे दुश्मन राजा को परास्त किया जाता है, वो सारी कलाएं उसने गर्भ के अंदर बच्चे ने सीखी और मां ने बाहर से सीखी। कहते ना अभिमन्यु जब मां के गर्भ में था, अर्जुन अपनी धर्म पत्नी के लिए चक्रव्यूह में भेदन करने की बात कर रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे भेदन किया जाता है, और उनकी धर्म पत्नी सुभद्रा उसे सुन रही थी, मगर माताओं बहनों को लड़ाई झगड़े की बातें ज्यादा समझ में नहीं आती। उनको तो 14 श्रृंगारों की बातें अगर बताई जाएं, या फिर छूम छनाना की बातें बताई जाएं, तो बहुत गौर से सुनती हैं, बहुत श्रद्धा से सुनती हैं, बहुत समझने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वो अपने या तो फिर रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस तीन निशान, इनके बारे में अगर बताया जाए, खाने की डिश पर अगर चर्चा चल जाए तो रात को 11-12 भी बज जाए तो कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। बस तुम बताते जाओ खाने की कौन सी नई डिश पेपर में आई है या कहां पर आई है, मुझे बताओ, उसकी विधि में जरूर अपने घर में कल बनाऊंगी। खाने पीने की आदत बनाने की चीजें भी आज महिलाएं भूलती जा रही हैं। बहुत सारी माताएं खाना बनाना भी नहीं आने, भोजन बनाना भी उन्हें नहीं आता, आज मिल जाएंगी। और बाइदा में कभी उन्हें रोटी बनाना पड़े तो भारत का नक्शा बना देंगे, और उस भारत के नक्शे को पे किसी डिब्बे के ढक्कन से काट करके उसे सूर्य बना देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।